संसार सिंधु उत्तरणे हृदयं यदि साद संकीर्तनामृतरसे रमते मनुष्ये प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य छंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य छंद चरणे कुरुतानुरागम। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। गौड़ीय गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का मकसद है। गौड़ीय परंपरा में साक्षात विप्रलम्ब विग्रह श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनकी कृपा के द्वारा श्रील माधवेन्द्रपुरी बाद जी का बारे में हमारा थोड़ा जानकारी है। जब भी माधवेन्द्रपुरी पाद जी श्रीमान गौरांग महाप्रभु का बहुत पहले आविर्भाव है, ईश्वरपुरी पाद पहले आए, महाप्रभु लीला दिखाए, जितना सारे गुरुवर को पहले आए, तो पहले कौन आए पीछे कौन आए ये विषय नहीं है। गुरुवर्गों ने हमको शिक्षा दिया, गौरी गुरुवर्गों ने, जो आगे पीछे का मामला नहीं है, विषय नहीं है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापन करने के लिए इस जगत में प्रकट भय वो महाप्रभु का पार्षद है। ये माधवेन्द्रपुरी पाद जी, ईश्वरपुरी पाद जी, सारे गुरुवर्गो और नरोत्तम ठाकुर जी बाद में आए, तो इसका कोई भक्ति विनोद ठाकुर बाद में आए, शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बाद में आए, इट मैटर्स लिटल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम जेनो भूतले, श्रीमन महाप्रभु का मनोभीष्टम स्थापन करने के लिए जो महाजन लोग आए सब भगवान का इच्छा के द्वारा आए। बहुत सारे आदमी बहस करते हैं गौड़ीय संप्रदाय में श्री माधवेन्द्रपुरी पाद जी को क्यों आप मानते हो ये संप्रदाय का मूल वृक्ष, क्यों क्या कारण है, ये तो संप्रदाय जो हमारा है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही ये संप्रदाय संगठित हुआ। नहीं, संप्रदाय संगठन गुरु का, जिसका बोले संप्रदाय संरक्षण, किसी संप्रदाय नया संप्रदाय का प्रकटन, ये भगवान का काम नहीं है। ये भक्तों के द्वारा स्वयं भगवान भक्तों के द्वारा ये सब करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, माधवेन्द्रपुरी पाद हमारा प्रेम भक्ति जो वृक्ष है उसका मूल है। प्रभुपाद जी बहुत सारे प्रवचन में ऐसा बात उठाते थे जे ऐ दीनदयाद नाथ ऐ मथुरा नाथ कदावलक से हृदय तदलोक कादरम द्वैत ब्रह्मति किम करोमी अहम। शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अक्सर कहते थे, ये गौड़ीय भजन का मूल है रहस्य। माधवेन्द्रपुरी पाद जी का जिह्वा पे यद्यपि ये श्लोक उच्चारण हुआ, ये विरह भाव यद्यपि शिष्य माधवेन्द्रपुरी पाद जी का जिह्वा में उतर आए, फिर भी शिल भक्ति विनोद ठाकुर और गुरुवर्ग हमारा प्रभुपाद सब सिद्धांत किए जे ये एक्चुअली ओरिजिनली इट इज फ्रॉम द हार्ट ऑफ राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का ये भाव है, ये राधा रानी का भाव
दयामयी राधारानी का कृपा के द्वारा ये माधवेंद्र पुरीपाद जी का जवान पे उतारा है। ओरिजिनलिटी फ्रॉम राधारानी, बड़ा आश्चर्य की विषय है। पोपा जी ने बार बार बताए कि ये गौरी भजन का ये गुप्त बीज है, इसी का अंदर में सारे विरह विप्रणम भाव आदि रूपानुग भजन का गुप्त रहस्य इसी में छुपा हुआ है। सिर्फ इतना ही चाहिए जो महापुरुष लोग ये रूपानुग धारा में हैं, इन लोग इन महापुरुष का मुखारविंद से हमको बस पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए। इसीलिए एक बात चैतन्य चरितामृत में सुंदर रूप से दिया, उसका फुटनोट भी सुंदर, उसका व्याख्या भी दिए हैं। बजे कृष्ण भक्ति रसो भाविता मती क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमोपि मूल्यमेकलम जन्मकोटि सुकृतोर न लभ्यते। रूपानुग भजन रागानुग भजन के बारे में बहुत सारे आदमी सोचते हैं बहुत, लेकिन इसका जो बेसिक चीज़ है, हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, ये किसी को पता नहीं। उल्टा भजन का रास्ता में भटक जाते उल्टा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताएं जे साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति तो है ही है। साधन भक्ति का बारे में रूप गोस्वामी पाद बहुत सारी चीज़ लिखे हैं, जीव गोस्वामी पाद भी बहुत सारे प्रमाण। एक्चुअली जो भक्ति है, जिसको भक्ति बोला जाए, भक्ति ये जड़ शरीर और मन के द्वारा ये जाजन करना संभव नहीं। भक्ति जो है सेवन मुखे ही युवायम स्वयमेव स्फूर्ति अद। क्यों ये बताया? क्योंकि नाम अगर नहीं आया तो रूपानुग भजन का तो ओरिजिनल जो चीज़ है वो खत्म, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये श्लोक बताया, अगर सेवन मुख जीवा हो तो ये जो अप्राकृत भाव इसका अंदर में स्वयं प्रकटित हो जाए। जीव को सही पाद भी लिखे और सारे गुरुवर्गो भक्तिविनोद ठाकुर और भी जय जय हरिनाम इसमें लिखे हैं। ईशोद विकशिपुनो देखाए निजो रूप गुणो चित्त हरि लय निजो पाश, सब ओरिजिनली नाम का अंदर है। लाइक वन सीड यू सी दिस वेरी स्मॉल वन पेनियन ट्री, एक बट वृक्ष का वो इतना सूक्ष्म बीज है, लेकिन इसी का अंदर में पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इतना बड़ा वृक्ष आज जो 5000 साल का वृक्ष है देख सकते हो जाके, बहुत बहुत पुराना, ये जो इसका अंदर में इसका पॉसिबिलिटी है। हरिनाम संकीर्तन का अंदर में महाप्रभु जी ने बार बार बताए, इसी का अंदर में साध्य साधन तत्व जे कुछ सकल नाम संकीर्तन में पाई भी सकल, नाम संकीर्तन के द्वारा ये सब कुछ धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा। यद्यपि जड़ शरीर और जड़ मन बुद्धि के अगोचर है भक्ति, फिर भी साधन भक्ति गुरु वैष्णव का अनुगत्य में दीक्षा लेने का बाद आत्मसमर्पण अगर हुआ, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में सेवा करते 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 ये भक्ति का जाजन करना प्रैक्टिस करो। जब ये भक्ति का प्रैक्टिस हो जाए, अपना इंद्रियों का द्वार, सारे इंद्रिय जो हैं हाथ के द्वारा, जैसे जैसे हमारा अम्बरीश महाराज जी, सौ वही मनो कृष्ण पदार विंद योर वाचंग से वैकुंठ गुणान वर्णने, ये जो बोला श्लोक सुंदर, हाथ जो है मंदिर मार्जन के लिए, सारे टोटो जितना सारे इंद्रियां हमारा हैं सारे भगवत सेवा में ट्राई टू एंगेज टोटली। ये पर्सनल एफर्ट इज फ्यूटाइल एफर्ट, यू कैनॉट कम आउट सक्सेसफुल।
जो गीता में भगवान अभ्यास योग के बारे में अर्जुन को बताएं, जब अर्जुन बोले ये आपने बार बार मन को कंट्रोल के लिए बोल रहे हैं, मन तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट कंट्रोल ओवर माइंड, मन को बस में लाना ये संभव नहीं, वायु रीव सुदुष्करा। भगवान श्री कृष्ण ठीक है, एकदम ठीक, मन को बस में लाना संभव नहीं है। और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इज इफ एट ऑल देयर इज एनी वर्ड इन डिक्शनरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट आई कैन अप्लाई हियर इन दिस केस, बट स्टिल पॉसिबल। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बताए, हम जानते हैं जी मन को बस में लाना क्वाइट इम्पॉसिबल, बट स्टिल पॉसिबल, संभव है। कैसे? न अभ्यासे न तू केंद्रीय वैराग्य न चौग्य, माइंड डिटैचमेंट हो जाएगा, माइंड के अंदर में ये विषय के बहुत सुंदर ब्रह्मा जी का सामने, ब्रह्मा जी को चतुस्सन ने, चतुस्सन ब्रह्मा जी का सामने एक क्वेश्चन रख दिए थे बहुत सुंदर। और उस समय ब्रह्मा जी इस सृष्टि का विषय में थोड़ा चिंतन में थोड़ा कंसंट्रेटेड था, और वो जो क्वेश्चन किए बड़ा घबरा गया, इसका क्या उत्तर दे, कहाँ से उत्तर दे। वो क्या क्वेश्चन है, जे विषय में चित्त और चित्त में विषय कैसे अनुप्रविष्ट होके एकाकार हो जाता है, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। विषय में चित्त अनुप्रविष्ट हो जाता है और चित्त में विषय प्रविष्ट हो जाता है, हो के एकदम ऐसा, इसका ओरिजिनली कॉज क्या है। ब्रह्मा जी सोचते रह गए, और उस टाइम में दूसरा चिंतन में तुरंत ठाकुर जी के चिंतन किए, अब हमको रक्षा करो, ये क्वेश्चन किया उत्तर देना है, हम गुरु हैं जगत पिता, वो क्या करे। ठाकुर जी तुरंत समझ गया, और सामने जो सुंदर एक लेक है, सुंदर झील, एकदम कांच का मापे पानी, पद्म फूल खिले हुए हैं, उसी में ठाकुर जी प्रकट हो गए हंस रूप पकड़कर, करकर सामने आए, आके चतुस्सनों के सामने आया और थोड़ा बिड़बिड़ाते रहे, चतुस्सन भे चतुस्सन समझ गए हंस रूप में कोई आया हुआ, हंस तो नहीं है जरूर, तो आप कौन है, पहला क्वेश्चन किए चतुस्सन, ये आप कौन है इधर आया। तो हंस रूपी भगवान ने बताएं, कहाँ से क्वेश्चन आया आपका, आप कौन हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से पैदा हुआ। बोले क्यों, बोले सब तो एक ही अद्वैत ज्ञान तत्व है चारों ओर, वहाँ से दूजा भाव आपका अंदर में क्या है, चतुस्सन का अंदर में बहुत लज्जा पैदा हुआ। तो बात तो ठीक है, हम तत्वज्ञानी हैं सब जानते, ये कैसा क्वेश्चन कर दिया, ये कैसा क्वेश्चन कर दिया, आप कौन है, बोले ये जगत में है क्या, कौन है ये जगत में, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है जो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है सब तो एक ही तत्व है। वो तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन को बताएं, देखो अभ्यासे न तू कौंतेय वैराग्य न चौक्य, तुम्हारा अंदर का माइंड जो है रेस्टलेस माइंड, जिसको गीता में ठाकुर जी बार बार बताए, जो ये जो मन है बुद्धि है जो कुछ भी भूमि राप अनलोह खंग वायु है मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में प्रकृति रश्चदा, तुम्हारा अंदर में जो बुद्धि है बहुत ब्रेनी, यू आर रियली ब्रेनी, बट दैट योर ब्रेन, यू हैव योर नाइस माइंड, दैट्स वाई यू हैव कम टू डू भजन, ऑल मेटेरियल यूजलेस, अब तो यूजलेस है, सब मेटेरियल है हमारा शरीर मन चिंतन सब, लेकिन ये जो जड़ मन जड़ बुद्धि है इसके द्वारा अप्राकृत भगवान प्राप्ति नहीं हो सकता। यहाँ तक भी काल या परसों भी चर्चा में आया था, जे जड़ अवस्था में ये शुद्ध वैष्णव ये गुरुपाद पद्म इनके सेवा संभव नहीं, जो वास्तव गुरु सेवा करे वो स्वयं गुरु है, लघु होके गुरु का सेवा हो नहीं पाता। गुरु जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म मतलब हम बोलते बेसिक प्लेटफॉर्म, गुरु जी के अंदर में भावना का ऊंचाई हो सकता, एटलीस्ट द प्लेटफॉर्म ऑन व्हिच गुरुदेव इज देयर, उसका बात तो उसका भावना का ऊंचाई है सेवा का वो तो हो सकता,
लेकिन एटलीस्ट स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऑन विच माई गुरुदेव इज देयर, गुरुदेव जिस बैकग्राउंड में है एटलीस्ट उस, मतलब हमारा कहने का है तुम जड़ हो, चिन्मय का साथ, चिन्मय वस्तु का साथ भाव विनिमय नहीं कर सकते हो। ये विग्रह कैन टॉक विथ यू, विग्रह का साथ बहुत महापुरुष हम देखे, गुरुपाद पद्म और बहुत सारे प्रभुपाद, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, देखे विग्रह का साथ बात कर रहा है। अब समझ में नहीं आता, पागल बनती है, अकेला घर में क्या बोल रहे, बिड़बिड़ा रहे, अब समझ में नहीं आया। और एक सालग्राम हम रख दिया, गिरिराज रख दिया, आपको बोल रहे उसका साथ बात करो, संभव नहीं, क्योंकि जड़ कभी चेतन का साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। जड़ भूमिका में जो वस्तु है वो चेतन, पूर्ण चेतन का साथ कैसे, कैन हाउ कैन एक्सचेंज बाबा, सो एटलीस्ट यू विल हैव टू गो अप टू दैट प्लेटफॉर्म स्पिरिट, आई मीन चिन्मय भूमिका, उसका बात तो गुरु जी का और ऊंचाई है, एटलीस्ट चिन्मय भूमिका। जो वास्तव गुरु सेवा किया, गुरु सेवक है मानो जी आमार, इसका बहुत रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होता है बाजार में, सम्मान नहीं लगा, हमने गुरु सेवा किया हमको सम्मान करो, नहीं, नॉट दैट, गुरु सेवा तो किया, जो वास्तव गुरु सेवा किया विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि गुरु सेवा करना, गुरु से सेवा लेना दोनों चीज़ है बाजार में, भजन रास्ता में देखोगे हैरान हो जाओगे, टू सर्व गुरुदेव और टू गेट सेवा फ्रॉम गुरुदेव इन एक्सचेंज, ये दोनों मिक्सिंग हो जाता, किसी के अंदर में भावना नहीं है तो महाराज ये तो एकाकार है, देखने में लगता है एक ही है, एक नहीं है, एक है, गुरु जी को सेवा ही करूँ, सेवा ही करूँ, अपना जीवन जिंदगी गुरु जी का लिए है, जिसका लिए गुरुदेव उत्तमा जो है, भयम द्वितीय विनिवेशत स्वात् ईशत अपतस्य विपर्यय अश्रुति तन्मयाय अतो बुध आवयत्वम भक्तिक ऐशम गुरुदेवतात्मा। ये गुरुदेवतात्मा शब्दों का विश्वनाथ चतुर्वेदी सुंदर व्याख्या किया, एकाकार हो जाए, कौन गुरुदेव कौन शिष्य, ऐसा हृदय का एक भाव हो जाए, जो जो वास्तव गुरु सेवक वो गुरु ही हो जाता, वास्तव गुरु सेवक जो है वो गुरु ही हो जाता। जो भी है, जो अभ्यास योग का बारे में जो हम बात उठाए हैं इधर, अभ्यास योग इज ओनली पॉसिबल जब सदगुरु का अनुगत्य में करे। कोई अगर बद्ध अवस्था में चले जाए एक जगह, जगह वाला हम अभ्यास योग करें, संभव नहीं, क्योंकि बॉन्डेड अवस्था में यू नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय हायर अथॉरिटी। हमारा जो स्वाधीनता है, हमारा जो लिबर्टी है, ट्राई टू फॉलो माई पॉइंट, यू कंसेंट्रेट, मे बी आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, स्टिल यू कैन रियलाइज, बद्ध अवस्था में जो हमारा अंदर में जो ह्यूमजिकल एटीट्यूड है, फैंसीफुल एटीट्यूड, हम ये करेंगे हमको अच्छा नहीं लगता, ये करे वो करे, ये जो दीक्षा का टाइम में गुरु के, गुरु जी के चरण में जो सबमिशन का क्वेश्चन आता है, हम आत्मसमर्पण करें, ये सबमिशन के द्वारा गुरुदेव कैन कंट्रोल मी। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसम, हैं, ये जो बात है, आत्मसम माने चिन्मय अवस्था में पहुंच जाए। और दीक्षा लेने का पहले से ही, या तो दीक्षा लेने का बाद भी, बस उसका उठपटांग बुद्धि विचार चलते रहे, ह्यूमजिकल एटीट्यूड, भजन का कोई विषय नहीं है। तो करोड़ों जन्म वो रागानुगा करे, रूपानुगा करे, हम वो बोला कब कुछ भी करे, करोड़ों जन्म में उसका सिद्धि मिलने का कोई चांस नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू कम आउट सक्सेसफुल। लेकिन आज अगर गुरुचरण में आत्मसमर्पण करे, इफ यू कैन सबमिट रियली, इफ यू कैन सेल योर सेल्फ अन टू द लोटस फीट ऑफ गुरुदेव। मेरे गुरु जी गुरुपाद पद्म कहते थे जो आत्मसमर्पण कैसे हो जानते हो, बोले कैसे गुरुदेव, बोले आप भागवत में देखे हो ना विचार, बोले है, बोले कैसा है, विकृतो पशोर यथा, जैसे मार्केट से यू कैन गो टू मार्केट एंड बाय वन बीस्ट, आई मीन गोट और हॉर्स और एनीथिंग, यू कैन कम, यू कैन ट्रीट एज यू लाइक, दैट एनिमल कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। एक पशु को आप बाजार से खरीद के लाए और धूप में खड़ा कर दिया, जेठ महीना में वो कुछ बोल नहीं सकता, हमको ले जाओ,
अब पानी का प्यास लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला सकता है और कुछ नहीं बोले। तो ये जो विषय है, गुरुजी बताएं कि मेरा ये संन्यास दंड ये क्या है। हम बोले आपका संन्यास दंड है, तो संन्यास दंडों के मैंने ऐसे रखा ना चौकी में, ऐसे ही रहेगा। हम अगर टाच ना करें 10 साल ऐसे ही रहेगा, हम अगर उसको सुला के रहे तो वो सुला के रहेगा। तुम्हारा कोई पर्सनल कोई डिजायर नहीं रहेगा, यू विल हैव टू इरेज, यू विल हैव टू टोटली इरेज, लाइक इन स्लेट। इन आवर चाइल्डहुड वी यूज टू राइट इन स्लेट एंड यू नो इरेज विथ वाटर, इन आवर चाइल्डहुड स्लेट के ऊपर लिखो, उसके बाद फिर पोछ दो। तुम्हारा अंदर में जो व्हिम्सिकल एटीट्यूड है, अपना भावना है, चिंतन है, जड़ भावना, उसको थोड़ा पोछा लगा के उठा दो। नाउ टोटली गुरुदेव कैन कंट्रोल यू। ऐसा करते करते वेरी शॉर्टली यू कैन फाइंड जब तुम्हारा अंदर में ऐसा एक ऊंचा भावना आ गया कि जो भक्ति में ठाकुर भजन रहस्य में बताया ना, विधि मार्ग रथ जने स्वाधीनता रत्नोदाने राग मार्ग कराए प्रवेश। हमने बैकग्राउंड तैयार कर रहे, बोलने का तो टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी बैकग्राउंड तैयारी कर रहे हैं। तो गुरु जी का अनुगत में अभ्यास जब हमने करना शुरू कर दिया और जिस प्रोसीजर हमने बताई कि धीरे धीरे सक्सेसफुल हो जाए, और भक्ति विनोद ठाकुर इसीलिए बताए तुम्हारा कोई चिंतन नहीं है, वेरी शॉर्टली यू कैन फाइंड यू आर एंजॉइंग लिबर्टी। लिबर्टी मीन भजन रास्ता में आपका प्रेम का सेवा, लिबर्टी मीन नॉट लाइक कॉमन पीपल हैव सम कंसेप्शन, समटाइम इन एडुकेटेड सोसाइटी पुट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। इन बचपन में व्हेन आई वाज यंग एंड व्हेन आई वाज रीडिंग इन स्कूल, इन माय कोर्स आई मीट विथ वन पोर्स, इन दैट आई फाइंड दिस वन, आई रिमेंबर दिस वेरी नाइस। कॉमन पीपल जो साधारण आदमी हैं उसको पूछो महाराज स्वाधीनता का माने क्या है, इस जगह जो हमारा भारत है इसमें स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है, इसमें किसी आदमी को भले महाराज स्वाधीनता मतलब जो कुछ कर सके ये बोल देगा, हमारा इच्छा जो कुछ करे, नॉट दैट। जो म्लेच्छ देश है इंग्लैंड, वहाँ में एक तो राइटर लिखा सुंदर, हमको बहुत अच्छा लगा, फिलोसोफर, हाई फिलोसोफर, थोड़ा आध्यात्मिक चिंता भी उसके अंदर में है जरूर, फूल नहीं है। तो उन्होंने सुंदर लिखा, वो टीचिंग्स आज तक मेरा याद है, व्हाट डू मीन बाई लिबर्टी, पर लिबर्टी मीन्स कर्टेलमेंट ऑफ योर ओन राइट फॉर द सेक ऑफ अदर्स सो दैट म्यूचुअल इंटरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड फाइनल गोल कैन बी अटेंडेड। कितना सुंदर भाव है देखो, हमको बहुत अच्छा लगा। बोले देखो इसका माने क्या है, बोले स्वाधीनता का माने हैं अपना जो फैंसीफुल एटीट्यूड इसका अंदर में थोड़ा कर्टेलमेंट अर्थात नियम श्रृंखला आरोप करो, सो दैट योर पर्सनल लाइफ कैन बी कंट्रोल्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय गवर्नमेंट। है जो समाज में जो श्रृंखला है, नियम है, जो विशेष विधि है, उसको उसका जो श्रृंखला है, चेन है, ट्राई टू गेट द चैन। और इसके द्वारा किया तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी जो है उसका कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वाधीनता अगर दूसरे का कष्ट पैदा कर दे वो तो स्वाधीनता नहीं है। और म्यूचुअल इंटरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड मतलब तुम्हारा भी कोई नुकसान ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो, और फाइनल जो ये तो जर्ब जर्ब हम जो ये जो श्लोक बता ये जो विषय बताए ये तो जड़ जगत का है, फिर भी थोड़ा मीनिंग है, तो इसमें देश का भी मंगल हो सकता। तो इसको अगर हम भजन रास्ता में अप्लाई करें तो इसको साइड बाय साइड अप्लाई करके ये फार्मूला को दिखाए, तो तुम मठ में रहो या गुरु जी का अनुगत में रहो तुम्हारा फैंसीफुल एटीट्यूड नहीं चलेगा। तुमको सारे जितना सारे गौड़ी मठ का अंदर में जितना सारे नियम श्रृंखला है, सुबह 2:30 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक जितना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन बॉन्डेज डे यू हैव टू फो इन टोटो एवरीथिंग तुमको फॉलो करना है। गुरुजी बोला है कीर्तन करो, वहाँ जाओ, नाम कब करे, नाम करना है, विश्राम लेने का टाइम कार्टिल कर दो, कम कर दो, विश्राम करो, लाख नाम करना है, वहाँ अर्चन करो, प्रसाद का टाइम में बैठो,
सब एक साथ प्रेम आएगा ना, प्रसाद एक साथ पाए तो उसमें प्रीति पैदा होता है। फॉर्मूला इज वेरी गुड, एक साथ पैदा हो प्रसाद मिले तो उसमें एक दूसरे के अंदर में जो भाव है थोड़ा बहुत गलती आ जाए वो मिट जाए। बहुत एक दफे प्रभुपाद का समय श्रील बनगोस्वामी महाराज और दूसरे एक महाराज, नाम दरकार नहीं, दोनों का अंदर में थोड़ा चीड़ आया, चीड़ मतलब वो थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आया और प्रभुपाद का कानों में गया ये बात। प्रभुपाद बताएं, दोनों को बुलाओ मेरा पास, कॉल बोथ ऑफ देम, बनगोस्वामी महाराज एंड अनदर महाराज, दे डेवलप सम डिससेटिस्फेक्शन विथ ईच अदर। उसके बाद प्रभुपाद जी ने बोले बसुन, एखने बसुन, एखने बसुन अपनारा, बैठा। बनगोस्वामी महाराज को आदेश किया अपनी ए महाराजर गुणकीर्तन करूँ, वैष्णवर गुणगान करूँ। प्रभुपाद प्रभुपाद आदेश किए, शुरू कर दिया बांछा कल्पतर बोल के वैष्णव गुणन के। उसके बाद ये बंद हो गया, बोला आप अपनी इनार गुणगान करूँ, इसका गुणगान करो आप, कर दिया, बस दोनों के हाथ मिला दिया, बस खत्म। ये जो है राधा रानी का वो जो उधर का जो विषय है वो अलग सा, वो अलग बात है। जो राधा रानी चंद्रावली का ग्रुप में थोड़ा बहुत राइवलरी कंपटीशन थोड़ा है, ये अलग चीज़ है। प्रभुपाद जी इसके बारे में भी सुंदर बताएं, लव एंड रैप्चर इफ हैपेंस फॉर द सेम कॉमन यूनिक गोल देन वी कैन गिव सैल्यूट, वेरी नाइस फाइटिंग। चंद्रावली राधा रानी ये फाइटिंग हमारा सैल्यूट का चीज़ है, क्यों, ये एक कॉमन एक्सीलेंट चीज़ कृष्ण सेवा का जो विषय है उसको लेके लड़ाई चल रहा है, और दूसरा बात नहीं। हम कृष्ण सेवा करें, हम नाम करें, परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज भक्ति बिलातीत्व इन बिटवीन देम द बिग फाइटिंग, हम प्रभुपाद का जन्मस्थान नहीं हम करें, तो ये जो है ये जो महापुरुष का अंदर में जो भाव है ये बड़ा ऊंचा। इसका जो उदाहरण अपना जिंदगी में अप्लाई करने का कोशिश मत करो, ये बड़ा ऊंचा विषय है। चैतन्य भागवत में ये सब विषय है, दो वैष्णव में कुछ हो गया तुम एक वैष्णव का पक्ष लेकर मत करो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा मत करो, दोनों ऊंचा है, वो आपका पापोस का मामला है, हम दोष देखना नहीं चाहते। जो भी है तो ये जो है साधनता जो है 100% आपको मिले। कौन सी साधनता, बॉन्डेड अवस्था में जो साधनता फैंसीबल ये नहीं। जब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताएं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत, ये स्वाधीनता है, हम गुरु जी का वैष्णव का कृपा इतना हमको मिल गया कि अब हम जहाँ भी रहे जैसे भी रहे बस ठाकुर जी का चरण में मेरा लगन लगा हुआ है, हर वक्त सेवा चल रहा है, ये तो स्वाधीनता है ना। ये गो माता का एक मैगजीन निकला चेतना का जागरण, इसका हाईलाइट्स, उसमें पीछे में एक अंग्रेजी आर्टिकल है, उसमें हमने एक उदाहरण दिए ठाकुर जी का कृपा से गुरु जी का कृपा से, ये स्वाधीनता किसको बोलता है इसको समझाने के लिए। बोले देखो कीर्तन में भी सुंदर है, जे जब कीर्तन एक छोटा सा कीर्तन है, सुंदर कीर्तन है, बहुत सुंदर कीर्तन है, भूल गया छोटा सा अभी याद आएगा। वो कीर्तन में लिखा हुआ है दंडो यथा, अरे सुंदर कीर्तन है अभी याद में नहीं आ रहा, आएगा। तो अब बोले देखो भगवान श्री कृष्ण अनंत इन्फिनिटी वर्ल्ड का, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। हमने उदाहरण दिया कृष्ण भक्ति करो तो स्वाधीन हो जाओगे, वो बोले कैसा बात है, तब तो और रेगुलेशन आ जाएगा, नहीं तब तो स्वाधीन हो जाओगे। जैसे भक्ति में ठाकुर बताए राग मार्ग में प्रवेश करो तो स्वाधीन हो जाएगा, मतलब अपना भाव के अनुसार भगवान का सेवा कर सकोगे। तो ये जो है इसमें क्या विशेष है, हमने एक उदाहरण दिया एक बहुत धनी व्यक्ति जमींदार, और वो जमींदार एक गांव का अंदर से जा रहा है गाड़ी से, जाते जाते अचानक ड्राइवर को बोला रुको, क्यों,
अचानक दिखला जो पानी लेने के लिए कोई लड़की जा रहा है, कोई लड़की किशोरी सुंदर। गांव वाले को पूछे किसका लड़की है, बोले ये खेती का काम करता है, नाम बोला इसका लड़की है। एक प्रैक्टिकली हमारा इलाका में हुआ है इसीलिए बोल रहा हूँ। बोले उसका पास ले चलो तो मेरे को, उसके बाद ले गया। बोले आपका लड़की को हमको हमको हमारा बेटा का साथ शादी देंगे, आप कहाँ रहते हो? बोला हम कलकत्ता में, हमारा लड़का का साथ शादी देंगे। बोला हमारा लड़की तो ज़्यादा पढ़ाई लिखा नहीं जानता, वही 9 तक पढ़ा, अभी स्कूल फाइनल भी नहीं हुआ। बोला हम करा लेंगे एडुकेशन, एडुकेशन हम करा लेंगे, तो हमारा पास तो कोई धन दौलत नहीं है, कैसे हम शादी दें, आप तो धनी व्यक्ति हैं। तो जमींदार ने बोला आपको कोई चिंता नहीं, हम ऐसे ही लड़की को उठा के ले जाएंगे, कोई धन दौलत हमको नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ शादी किसी भी हालों से कर दो, उसका भी हेल्प लगे तो हम कर देंगे, आपसे कुछ चीज़ चाहिए नहीं। बता दिया, वो तो हैरान हो गया, ठाकुर जी का ऐसा कृपा है जो हमारा कोई खर्चा भी नहीं, कुछ नहीं है। लड़की को पिताजी ने समझाया, उसके बाद शादी हुआ। हमने उदाहरण दिया, देखो जिसका फूटा कोरी भी नहीं है, ऐसे आता है तो खाता है, नहीं आता तो ऐसे चल रहा है। वो लड़की, वो बेटिया रानी जिसका पास कोई धन दौलत नहीं है, पिताजी का पास अमानती कुछ नहीं है, अब जब स्वामी का घर आई तब क्या भाई, जितना प्रॉपर्टी है संपत्ति है सबका मालिक वो भी इसका हिस्सेदार हो गया। फॉलो माई पॉइंट, समझा मेरा बात? लड़की का पास कुछ नहीं, लेकिन जब बीवी भय जब शादी हो गया तो जो प्रॉपर्टी है इतना जायदाद है उसका, वो भी हकदार है, हो जाएगी। तो कृष्ण अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, सारे जितना भाव है जितना सब कुछ सबका मालिक कृष्ण है। कृष्ण भक्ति करे तो उसमें असली स्वाधीनता मिले, जो स्वाधीनता कॉमन लोग एंजॉय कर रहे हैं वो असली स्वाधीनता नहीं है, हैं? असली स्वाधीनता तो तब मिले जब भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करे, उस समय वास्तव स्वाधीनता मिल जाए, इसका पहले स्वाधीनता नहीं है। जो भी है, हमने ये उदाहरण दिया किस लिए, ये भक्तिविनोद ठाकुर का ये बात को प्रमाण करने के लिए, विधि मार्ग रथ जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग ही कराए प्रवेश। हम गुरु जी का अनुगत्य किया, क्योंकि हमारा सारे गुरुवर्ग जो है सब रागानुगा भजन में लगा हुआ है, रूपानुगा भजन में। रागानुगा भजन ओपन टर्म और रूपानुगा भजन स्पेशलिटी, क्योंकि रागानुगा भजन सब कवर हो जाता ना, जितना सारे रस है सब। तो ये जो विषय है श्री श्रील माधवेन्द्र परिवार जी का अंदर में, जो अभी जो एक अनोखा भाव का पैदा हो गया, राधा रानी का अंदर में जो भाव है अभी आ गया, आ गया ना। अय दीन दयार्दनाथ मथुरा नाथ कदावलक शहीद तदलोक, ये बताएं श्री गौड़ीय संप्रदाय में ये जो श्लोक है इसका अंदर में बीज है, हमारा भजन का पूरा रहस्य का बीज है इसका अंदर में। इसको एक्सपेंशन करे इसमें सारे भजन का रहस्य खुल जाएगा। जैसे नामे जे प्रेमेर कोली का नाम, नाम का नाम जैसे एक फूल पूरा खिला नहीं, अभी बंद है बब हैं, अभी फूल खिले धीरे धीरे फूल फ्लेजेड फॉर्म में, ऐसा है। जो भी है माधवेन्द्रपुरी पाद जी का जो भाव है बड़ा ऊंचा भाव है, इसमें थोड़ा टच कर दे, टाइम टाइप परमिट नहीं कर गया तो हम थोड़ा स्केलेटन डिस्कशन करें। इसमें माधवेन्द्र परिपाद जी का अंदर में भाव जो है राधा रानी का भाव, किस लिए? बोले मथुरा नाथ, बोले भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण जब ब्रजवासी को छोड़कर मथुरा चले गए, उस समय जो विप्रलम्ब भाव पैदा हुआ, विप्रलम्ब भाव पैदा हुआ नहीं, विप्रलम्ब हर वक्त रहता है, कृष्ण सामने है, कृष्ण खो गया लिखा हुआ है, कृष्ण सामने है, कृष्ण सामने खड़ा हुआ है, तो कृष्ण सामने है ना जाने थोड़ा टाइम बाद कृष्ण खो जाएगा। ये जो भाव ये राधा रानी का अंदर में है, मिलन के मिलन हो रहा है सामने, उसमें विरह पैदा, मिलन अभी मिलन है, अभी विरह नहीं है, फिर भी विरह हो रहा है।
कृष्ण नहीं है, तमाल विखो देखा, तमाल विखो कृष्ण मिल गया, तमाल विखो आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं पागल बन जाते, ये कैसा भाव है राधे का, ये क्या भाव है, ये तमाल विखो देखा तो ये कृष्ण मिल गया बोल के आलिंगन करके मूर्छित होके पड़ गया। ये भाव ये बद्ध अवस्था में समझ में नहीं आएगा, बड़ा ऊंचा भाव है। अभी मथुर विरह ब्रजवासी गणेर जे सेवा, मथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम जो गौड़ीय संप्रदाय में हैं, हम चाहते हैं कि ब्रज जितना सारे ब्रजवासी हैं, इन सभी का अंदर में जितना सारे प्रेम है, विप्रलम्ब भाव है, धीरे धीरे हमको टच करे। और मथुरानाथ, ये तो राधा रानी का ही बात है, मथुरा में चले गए कृष्ण, आप तो आप मथुरानाथ बन गए, क्योंकि मथुरा हम लोग तो अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो हम आपका सेवा कैसे कर सकते हैं। मथुरा में बड़ा बड़ा एडुकेटेड सब है गोपी, वो आपका सेवा कर दें, इसीलिए आप चले गए उधर। वो इसको बोलता है, मैं संदर्भ में जीव गोस् रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया ना, अहे रिव गति ही प्रेमणा स्वभाव कुटिलो भवेत, ये जो हाँ रूप गोस्वामी पाद वो उज्जवल नलनी में बताए, सो हम तो पढ़ा नहीं, हमारा योग्यता नहीं है, ये सुना गुरु वर्ग से। सांप जैसा जाता है ना जिग जाग, सांप स्नैक हैं, ऐसा ही प्रेम का मार्ग है। प्रेम का मार्ग हम दो एक गौर लीला से उदाहरण देंगे, इसको पुष्टि कर लें, क्यों गौर लीला का उदाहरण देना जरूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। दो एक गौर लीला का उदाहरण दे, ताकि हम जो थोड़ा बैकग्राउंड साफा किया इसमें थोड़ा बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, एक घंटा में क्या होता है, पाँच घंटा भी तो जो भी कुछ होगा। तो ये जे अहे रे भगवती ही प्रेमणा स्वभाव कुटिलो भवेत, प्रेम का निस्वार्थ प्रेम का इतना ऊंचा भाव है, उसमें बाहरी दृश्य में लगता है वो गुस्सा किया, बाहरी दृश्य में लग गुस्सा किया, और जब देखता है गुस्सा नहीं किया, आओ बैठो विराजो, तो वो देखता है अंदर में बहुत गुस्सा है, बाहर में ऐसा दिखाता रहा। ये बड़ा ऊंचा भी भाव, बड़ा ऊंचा, समझ में नहीं आएगा। जब गुस्सा नहीं है दिखा रहा है तो ज़्यादा गुस्सा है, और जब दिखा रहा है गुस्सा है तो गुस्सा एकदम नहीं है। ये जो भाव है प्रेम का ऊंचा भाव है, ये सब बॉन्डेड अवस्था में बद्ध अवस्था में समझ में नहीं आएगी। अब चैतन्य महाप्रभु का लीला का थोड़ा उदाहरण दे, कहने का बात तो बहुत है अनंत, फिर भी गंभीरा मंदिर अंदर में 12 साल चैतन्य महाप्रभु लगातार जो विपुरम रस का आस्वादन करके बद्ध जीव को दिखाए हैं, यही हमारे लिए एक ट्रेजर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं विप्रलम्ब भाव हर वक्त, ईच एंड एवरी सेकेंड महाप्रभु क्या कर रहे हैं, क्या किया, सब हमारे लिए शिक्षा का विषय है। सब रागानु का भजन का दारे एक 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 माइल स्टोन, उसको देखते चलो आगे चलो। चैतन्य महाप्रभु का जो दिखाया हुआ रास्ता है बस यही एग्जैक्ट, सिर्फ महाजनों का अनुगत में इसको समझना है और कुछ नहीं। हमको बाहर से कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, रूपानुगत धारा में ये करना है नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु जो किया है उसी को ही गुरु वैष्णव का अनुगत में समझना है और कुछ नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु पल पल में लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में, एक एक पल भर में जो लीला रचा रहे हैं उसको व्याख्या कर लेकर हिम्मत अनंत देव का भी नहीं है, लिखा हुआ है। एक एक समय महाप्रभु जो लीला कर रहे हैं उसको समझने का बाहर है। श्री चैतन्य महाप्रभु 12 साल लगातार कैसे हमको धीरे धीरे ऊपर जाना है। रागानुगा भजन में हम बाजार का कोई आचार्य का, बाजार का आचार्य उसका भाव हम नहीं ले सकते, हमें जो महापुरुष है वो थप्पड़ लगाते हैं हमको गाल में, ये इसका भाव हम लेंगे हैं, ये जो विचार है। कभी सहजिया भाव को नहीं लेना, क्योंकि सहजिया भाव लेोगे तो अनंत काल के लिए आप पर जाओगे, आपका रास्ता नहीं खुलेगा, अपराधी बन जाओगे। भक्तिविनोद ठाकुर एक उदाहरण दिए, जस्ट लाइक क्लाउड, जैसे क्लाउडी स्काई, उसी टू क्लाउड्स कमिंग साइड बाई साइड, दो मेघ का टुकड़ा है, एक मेघ से घिरा हुआ आसमान है, उसमें दो मेघ सामने आ गया आमने सामने, उसका घर्षण हुआ, घर्षण मतलब
इन साइंस वी से एक्सचेंज ऑफ चार्ज, इसका अनुमेद चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्सचेंज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैलेंस हो जाता है छट छट, उसका साइन में जो इलेक्ट्रिकल एक्सचेंज होता है उसके द्वारा एक साउंड वी कैन सी, वी कैन हियर नॉट सी, एंड लाइटनिंग वी कैन सी। ये जो होता है भक्तिमय ठाकुर एग्जैक्ट ये उदाहरण दिया, भक्तिमय ठाकुर ने एग्जैक्ट उदाहरण दिया, दो मेक सामने आया, एक मेक से एक मेक से अंदर में एक्सचेंज ऑफ चार्ज हो गया, एक लाइटनिंग हुआ, एक विद्युत खिल गए, उसके बाद थोड़ा देर बाद साउंड का वेलोसिटी कम है, बाद में सुनाई पड़ा। भक्तिमय ठाकुर एग्जैक्ट ये उदाहरण दिया, तुम पागलपंती मत करो, तुम ऐसा महापुरुष के पास रहो, भजन करो गुरु के पास, तुम देखोगे गुरु जी का हृदय में जो विप्रलंब भाव है, रागानु का भाव है, रूपानु का भाव है, ऑटोमेटिक इट्स एन ऑटोमेटिक तुम्हारा हृदय में आ जाएगा। भक्तिमय ठाकुर ये उदाहरण दिया, तुमको बाजार में दौड़ने का दरकार नहीं, तुम जो महापुरुष के सामने हो वो अगर रूपानु का भजन में नियोजित है स्वयं, तुम जो हृदय से उसका सेवा किया उसके द्वारा उसका हृदय से तुम्हारा हृदय में ये भक्तिमय ठाकुर बोले एक एक रोग जैसे कंटीजियस डिजीज है ना, वन काइंड ऑफ कंटीजियस डिजीज, इफ यू डेवलप कॉलेरा बा समबॉडी डेवलप कॉलेरा आई मीन पॉक्स डोंट गो देयर। भक्तिमय ठाकुर बोला ये इस वन काइंड ऑफ डिजीज कंटीजियस डिजीज, ये सामने एक एक प्रेम रोग बोलता है इसको, प्रेम रोग जिसका अंदर में प्रेम है ये महापुरुष का अंदर में जो वास्तव सेवा किया आ जाएगा। तुम्हारा किताब पढ़ के वो रूपानु का भजन खुद ये महापुरुष है हर वक्त विप्रलंब में रहता है हर वक्त, इसका इनके सेवा करो तो आपके अंदर में वो रूपानु का भाव जो है इसका एक्सचेंज आपका अंदर में आ जाएगा। भक्तिमय ठाकुर ये उदाहरण दिया लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। भक्तिमय ठाकुर एग्जैक्ट ये उदाहरण दिए, जो भी हैं ये जो उदाहरण हम दिए ये समझने वाला बात है, बहुत गंभीर चीज़ है। जो हम रागानु का भजन रूपानु का भजन में जो नियोजित जो महापुरुष लोग हैं इनके सेवा करते करते हम हमारा अंदर में भी वो प्रेम रोग जो है हमारा अंदर में भी, इसके लिए ये जो श्लोक जो चैतन्य चरितामृत हैं जो कृष्ण भक्ति रस भविता मति क्रियताम यदि कुतो उपलभ्यते इत्यादि जो बोला इसीलिए बोला भाई मिल जाएगा। अब जो राधा रानी का जो भाव है, हमारा कृष्ण आज मथुरा चला गया, मथुरा बहुत हाई सिटी है, वो तो गांव नहीं है, हम तो ग्वालिनी हैं, हमारा अंदर में क्या एडुकेशन है कुछ नहीं है, ये तो कहने का बात है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है सब राधा रानी से चरण से आए। यदि अगर बोले जे महाराज इनका राधा रानी और गोपियों राधा रानी और गोपियों का अंदर में कैसे हम समझे समझे कि तत्व ज्ञान भरपूर है, कैसे समझे कोई उदाहरण है, देखने में लगता है कि वो तत्व ज्ञान का परवाह नहीं करते और प्रेम का ही ज़्यादातर, क्योंकि जहाँ प्रेम है जहाँ विधि है वहाँ प्रेम प्रकट नहीं होता। इसके लिए सब सहजिया गुरु लोग बोलते हैं विधि मार्ग होगा नहीं लिखा हुआ है तू जंप कर, लेकिन जंपिंग का बात नहीं बोला वहाँ, बोला है विधि मार्ग में कृष्ण प्रेम पाइते नहीं शक्ति, ये तो ठीक है एग्जैक्ट, बट यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीड्योर आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे हम समझे कि गोपियों का अंदर में भरपूर तत्व ज्ञान, अनंत ब्रह्मांडों में जितना तत्व ज्ञान है सब भरपूर है, कैसे समझे कोई उदाहरण है, वो तो हम लोग प्रेम पे प्रेम के द्वारा विवश है, गोपियों के अंदर में ये जो सिद्धांत ये सब क्या दरकार है, प्रेम है तो सब उग जाए। राम बोला भागवत में ही ये प्रमाण है, गोपियों के अंदर में सारे तत्व ज्ञान है, उद्धव बेवकूफ बन गया, उद्धव जब तत्व ज्ञान को उपदेश करने से ले रही महाराज हम तो बेवकूफ है हमने ही इसको तत्व ज्ञान उपदेश दिया, जबकि वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा कोई रास्ता बताओ फॉर्मूला है कि कृष्ण को भूल जाए। अरे उद्धव क्या बता रहे, कृष्ण को शरण करो, देखो सब कृष्ण सब कोई का हृदय में है, अरे बस कर तेरा पास कोई फॉर्मूला है जैसे कृष्ण को भूल जाए, भूल नहीं सकता, इतना जलन हो रहा है तू उल्टा हमको तत्व ज्ञान उपदेश दे रहा है। राधा रानी के साथ जब कुरुक्षेत्र में देखा हुआ कृष्ण को उलाहन दिया, उलाहन गाली दिया, तुम्हारा बुद्धि नहीं है विचार नहीं है,
गोपियों को उद्धव दारे तुम तत्वज्ञान उपदेश दे रहे हो, तुम्हारा कोई जो गोपी जी नहीं सकता, श्वास नहीं चलता तुमके तुम्हारे बिना, और तुमको उसको तत्वज्ञान उपदेश उद्धव के तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया क्या? राधा रानी कह रहे कृष्ण कितना ऊंचा प्रेम की भाव है, सहजिया लोग ये सब टच नहीं कर सके। गोपी गीता में सुंदर है, गोपी गीता में सुंदर ये भाव है, नखोलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदीक। ये क्या है तत्वज्ञान है नहीं, ये तत्वज्ञान है तो नखोलु गोपिका नंदनो भवान, तुम ए गोपिका का ये लड़का ये सीख ये तो है ही है, लेकिन ये ठीक नहीं है, तुम सवा सारे जीवों का अंदर में परमात्मा रूप में, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिलो देही नाम अंतर अंतरात्मदृक, सब अंतर में बैठे हुए हैं। इसीलिए तो जब हमारा अंदर में संदेह पैदा हुआ, कृष्ण तो ठीक नहीं, इसका रिप्रेजेंटेटिव है परीक्षित महाराज, क्योंकि हमारा अंदर में संदेह जरूर आएगा, इसीलिए परीक्षित में पहले ही संदेह रख दिया गुरु जी के सामने। गुरु जी ये कैसा बात है, हैं दूसरों का जो ये बीवी है सबको लेकर कृष्ण ने ये सब गोपियों को लेकर, तो ठीक है नहीं है हा? अब तो काम जदुपति ही कृतवान वही युगुप सितम, ये तो क्या है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो निश्चित ये तो खराब काम है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, राजन बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। वो कैसा सावधान हो, बल्ले गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशम एव देही नाम जो अंतश्चरह स अध्यक्ष किरण किरण नेह देह भाग। हे राजन बताओ किसका अंदर में कृष्ण नहीं है, जो हम हंस गीता हाँ, हंस बताया ना, हंस सब अद्वैय ज्ञान तत्व, जो आचार्य अद्वैय ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित नहीं है वो आचार्य ही नहीं है, वो प्रचार में ही ना जाए, क्योंकि प्रचार में जाके देखे खूबसूरत लड़की है, देखिएगा ना इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है समाज में। जो क्वालिटी बताए कोई एडुकेशन नहीं है, हमारा ये महाराज के पास ये विनती है, इसमें बनाओ बनाओ अच्छा अच्छा लड़का बनाओ, सुंदर भक्त बनाओ, बाहर जाने का दरकार नहीं, सब उठपटंग चल रहा है। जरूरी है ये शिक्षा, कोई शिक्षा अगर हमको ना मिले तो आगे चल के हम क्या करें, गौड़ीय समाज में सारे डस्टबिन हो जाएगा जंगल। और भक्तिमय ठाकुर अपने को बताएं कि हम नामहट्ट के झाड़ूदार है, बहुत सारे बार प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि में ये सब चर्चा हुआ, बहुत सारे बहुत हार्ड डिस्कशन बहुत सारे ठाकुर जी कराया तो किया, और बहुत स्पेशलिटी डिस्कशन हुआ बहुत बार। ये जो परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव को, राजन बी केयरफुल सावधान हो जाओ, क्योंकि सब कहाँ कहाँ कृष्ण नहीं है, सब गोपियों का अंदर में, गोपियों का जो हस्बैंड है रेस्पेक्टिव हस्बैंड है सब कोई का अंदर में सब कृष्ण ही है। और हम खुला खुला विचार करने जाए तो हस्बैंड बोल के जो भाव है वो इस जड़ जगत में जुगमाया के द्वारा प्रकटित भाग है, वास्तविक पक्षे गोपियों का जिसलिए जीवो गोस्वामी का जो सिद्धांतों का निंदन करते हैं बाजार के लोग, हमने गौर पूर्णिमा का टाइम में डिटेल डिस्कशन किया फॉरेनर लोगों का साथ पास, एक्चुअली सकिया परमानेंट सकिया नित्य है परकिया भी नित्य है, भक्तिमय ठाकुर ब्रह्म संहिता में व्याख्या में दोनों नित्य है, कैसे इसका डिटेल डिस्कशन हो गया, कितना बार करे समय नहीं है इधर। तो ये भाव है गोपियों का जो रेस्पेक्टिव हस्बैंड है, ये हमारा हस्बैंड है, ये गोमुख मेरा हस्बैंड है, और ललिता सखी का हस्बैंड है, और हमारा राधा रानी जी का हस्बैंड है कौन, और अभिमन्यु, ये सब दिखावा है जोगमाया के द्वारा प्रकटित है। भक्तिमंत कह रहे हैं ये जो नित्य गोलोकधाम नित्य गोलोकधाम वृंदावन जो है, नित्य गोलोक का साथ इधर का जो वृंदावन है, ये जो गोकुल 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 और गोलोक में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही है जो वो जो गोलोक में जो इधर जो प्रकट लीला पे जो सब भाव का जो स्थूल एक तो अनुभव हो रहा है उस जगह वो सब नहीं है, उसका सिर्फ भाव है।
यहाँ जोगमाया के द्वारा प्रकटित एक स्थूल रूप, ये उसका हस्बैंड है और कंसो है, इस प्रकट लीला में कंसो है, लेकिन उधर भी कंसो का भाव है, कंसो नहीं है, कंसो का भाव, कंसो को बता देंगे तुम जो हरकतें कर रहे हो, कंसो का भाव है, कंसो नहीं है नित्य जगत में, अगासुर भगवसुर का भाव है ये नहीं है नित्य जगत में, ये सब नहीं है। तो ये जो है भक्ति में ठाकुर जी ने बताए, प्रकट लीला में ज़्यादा रस और होता है, क्यों? प्रकट लीला में बैरियर्स है ना, बाधाएं विपत्ति ज़्यादा है, उधर भी है इधर ज़्यादा है। एक तो है बाहरी दृष्टि में आदमी को समझ नहीं पाएगा ये गोवर्धन वही गोवर्धन है, क्योंकि माया के द्वारा अभिभूत बद्ध जीवों के जो दर्शन है कंप्लीट चिन्मय दर्शन नहीं होता, चिन्मय के साथ जड़ दर्शन मिलावट है, एडमिक्सचर, पूर्ण चिन्मय दर्शन नहीं होता। और जो महापुरुष लोग हैं ये सब भजन करके हमको मार्ग दिखा के गए, वो प्रापंचिक भूमिका में हैं, लेकिन वो इस भूमिका के इस हम बाहरी दृष्टि में देखने में लगता है वो तो भौम वृंदावन में है, लेकिन भौम वृंदावन में रह के वो वृंदावन में सब सब कुछ दिखाई पड़ता है। भौम वृंदावन में बाहरी दृष्टि में है लेकिन उसको नज़र सब क्लियर, सब उधर दिख रहा है सब कुछ। तो ये जो है स्वरूप सिद्धि का बाद, ये सब बहुत ऊंचा किस्म का, बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो राधा रानी ललिता विशाखा सब सबसे बड़ा एडुकेटेड, फिर भी प्रेम के द्वारा वशीभूत होके ये कह रही है कि कृष्ण तो मथुरा चले गए, हम लोग तो अनपढ़ है, वो गोपी हैं और हमारा पास क्या कुछ है, कृष्ण को रख नहीं सके, कृष्ण चला गया उधर अच्छा सेवा मिलेगा, ऐसा करके वो विप्रलम्ब भाव। मथुरानाथ जो शब्द बोला ये उसको एक ये बोलता है प्रेम का भाषा, अब तो आप मथुरानाथ हो गए हैं, पहले आप वृंदावन जन थे, अब आप मथुरा चले गए हमारे साथ रिश्ता तोड़ के, ऐसा भाव है सुंदर। प्रभुपाद जी ने बताएं गौड़ीय भजन में ये अगर ये माधवेन्द्रपुरीपाद जी का ये भाव अगर अनुभव में आ जाए उसका लिए भजन में रूपानुगत भजन में विप्रलम्ब जो भाव है धीरे धीरे प्रकट होता, सिर्फ इतना ही करना है जे नाम के लिए ज़्यादा ध्यान देना है, सेवा और नाम, सेवा बंद कर दो ऐसा नहीं, सेवा और नाम पैरालल चले। जैसे हम परशु भी बताया था, जो परशु बताया कि काल बताया था, तो गुरु सेवा का साथ साथ गुरु का वाणी सेवा पैरालल चले। कई बार हम कोई अच्छा जगह व्याख्या किए जो अगर वाणी सेवा बपू सेवा पैरालल ना चले तो शिष्य का फॉल डाउन हो जाएगा। वाणी सेवा बपू सेवा करो लेकिन उसका वाणी सेवा गुरुजी जो वाणी लिखे हैं बोले हैं उसका सेवा पैरालल करो, थोड़ा सा कम बेशी हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। वाणी सेवा बपू सेवा पैरालल चले। गुरुजी जो गुरुजी का वाणी, गुरुजी का जो वाणी स्वरूप है उसका अनुभव जब तब शिष्यों का अंदर में ना आ जाए वो गुरु सेवा नहीं कर पाएगा। सक्सेसफुल गुरु सेवा कौन है इस हमको क्वेश्चन करे तो सक्सेसफुल गुरु सेवा वो है जो सेवा करते करते गुरुजी का वाणी का गुरुजी का जो वाणी का स्वरूप देखने में आदमी जैसा लगता है लेकिन गुरुजी का वाणी का स्वरूप है एक, जिसका बारे में प्रभुपाद जी का चर्चा में प्रभुपाद जी का आविर्भाव में हम अक्सर बहुत सारे चर्चा करते ठाकुर जी का कृपा से प्रभुपाद की कृपा से। कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम धरणी हर हार को गौर जनम जनकादिक वासल सिंह द पदम पुनमामि सदा प्रभुपाद पदम। जब प्रभुपाद वाणी का स्वरूप है हमारे सामने आए प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद साक्षात वाणी का स्वरूप है, वाणी को घनभूत कर दो वो प्रभुपाद का रूप पकड़ कर आए। कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धर्म, हरि कीर्तन जब मूर्ति पकड़ कर हमारे सामने आए तो हम इतना बेवकूफ है समझ नहीं पाया, हम सोचेगा आदमी है, आदमी नहीं है। गुरु जी का जो स्वरूप है वाणी स्वरूप, गुरु जी बज दे रहे, गुरु जी का हृदय जो तंत्री है जैसे गिटार बजाता है ना, बीना बजाता है ना, गुरु जी के अंदर में जो
तंत्री है, हर वक्त बज रहा है, वो म्यूजिक का साथ तुम्हारा शिष्य का हृदय का ट्यून, शिष्य का ट्यून है, एडजस्टेड हो जाए। इसको ही नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए, गुरु मुख पद्मवाक्य हृदय ते करिया इक आर ना करिया मन, तो एग्जैक्ट ये बात, हारमोनाइज करना। गिरिजी का हृदय में जो म्यूजिक चल रहा है, अरे म्यूजिक ही चल रहा है, हम ठीक ही बताए। जब भजन करते करते सिद्ध अवस्था में जाओगे तो देखो भैया गायत्री मंत्र जो है वो काम गायत्री, उसका बाद देखो भरी ये तो चल रहा है बंशीनाथ, म्यूजिक चल रहा है। ये जो गायत्री, गायत्री माता जी दूसरा जन्म लिया, ये काम गायत्री हुआ ब्रजभूमि में, तो काम गायत्री हमको मिला गुरु जी दिए, काम गायत्री जब करते जाओ ध्यान से, ऐसे नहीं जब करने का टाइम में बहुत ध्यान से करना, एक एक अंग प्रत्यंग कृष्ण का दर्शन करना, कामदेव का, गुरु जी का मंत्र जप करो गुरु जी का, अगर जब तक ना हो तुम्हारा मंत्र सक्सेसफुल नहीं होगा, मंत्र देवता का दर्शन हो जाए। अनिक व्हाइल यू आर डूइंग अनिक यू मस्ट लुक यू मस्ट सी, हाँ जब गुरु जी का दर्शन हो, गुरु गायत्री, गुरु गायत्री पोपात का सब, अगर ना हो तुम्हारा मंत्र अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, समझा। तो ऐसा करते करते भजन करते करते काम गायत्री गुरु जी का, कामदेव का सारे जो कृष्णदास गोविराज सारे 24 अक्षर उसका पूरा पूरा व्याख्या, कभी हम मिले समय मिले तो करेंगे। तो ये जो है पूरा भरपूर कृपा हो जाए तो ये सब गुरु जी का कृपा होने से सब कुछ संभव है। गुरुर अनुग्रहेण नहीं वो, गुरुर अनुग्रहेण नहीं वो अपमान, पूर्ण प्रशांत है। पूर्ण प्रशांति कब आ जाए, प्रशांति मतलब प्रो परा अप अनु ये सब लगाने से है, ये शब्दों का ताकत बढ़ जाता है। और उसका पहले भी और एक शब्द लगा दे, गुरु गुरुर अनुग्रह नहीं वो पुमाणु पूर्ण प्रशांत, पूर्ण शब्द लगा दिया, जबकि ये शब्द तो सफिशियंट है, नहीं हुआ नहीं, उसके बदले और शब्द लगा दिया। तो गुरु कृपा होने से सब बीज है, ये सब एक एक श्लोक का व्याख्या करे तो उसका अंदर में देखोगे कितना सारा गहरा रहस्य है ना। ये जो है जो एक एक शब्दों का अर्थ क्या है, एक एक है बाहरी दृष्टि में एक अर्थ है, और विद्या द्रुरी वित्ती जो प्रभुपाद कहते हैं विद्या द्रुरी वित्ती में गहरा अर्थ है, एक ही शब्द बाहरी दृष्टि में संस्कृत पढ़ा सब कुछ, और उसका अंदर में ये शब्द नहीं आएगा, और जो भजन किया हुआ महापुरुष लोग उसका अंदर में ये शब्दों का है। सो ये जो है जो काम गायत्री काम भी सब एक एक करके ध्यान करना है। जब भी अनिक करोगे जल्दीबाजी मत करो, हर वक्त धीर से आसन ठीक करो, मन का बेचैनी दूर करो, फिर अनिक करो ध्यान से, देखोगे सब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ऐसा करके हमारा हृदय जब गुरु जी के हृदय के साथ जो एडजस्टेड हो जाए तो हमारा अंदर में क्या कुछ नहीं हो सकता। जब बोला गुरु अनुग्रह नहीं वो पूर्ण प्रशांत है, ये जो सुदाम विप्र के सपास कृष्ण भगवान ने बताया, सब कुछ हो सकता गुरु कृपा हो जाए तो आपका अंदर में धीरे धीरे होगा। तो हमारा विशेष करके ये जो रूपानुगो धारा है, हर जगह लड़ाई चल रहा है छोटे छोटे बात पर, बहुत दुख की बात है, वो लोग समझते नहीं हैं वहाँ छोटे छोटे बात। कृष्णदास को विराज हमारा कृष्णदास बाबा जी महाराज भजन किए, कृष्णदास हमारा गौड़ीय संप्रदाय में रागानुग रूपानुग धारा तो है ही है, लेकिन किसी साधक का अंदर में अगर सखर रस तक पहुँचने का इच्छा है तो वहाँ तक, जैसे कृष्णदास बाबा जी महाराज गुरु जी से सुना कृष्णदास बाबा जी महाराज सखर रस में सिद्धि हुआ, वृंदावन में लड़ाई चल रहा है, श्री स्वामी महाराज जी कौन रस में सिद्धि हुआ, किसी महाराज ने बोला वो सखर रस में सिद्धि हुआ, बस इस लेके लड़ाई क्यों बोला नहीं गोपी हुआ, अरे उसका लेखा देखो क्या भाव है, देखो इधर लड़ाई का क्या बात है, छोटे मोटे बात है, इसमें तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम अपना चेष्टा करो, गुरुवर्गों का दिखा हुआ रास्ता कैसे कैसे दिखा है, देखो भक्ति मोहतपुर गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज का जो कृत्य अंतिम समय में है ना, सुना है ना,
सिद्ध गोस्वामी में तो वॉयस अंतिम समय में निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो रो रहा है, बोल रहा है जैसे कि डूबते चल रहा है. इफ यू कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ डायरेक्ट फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉन, सेव मी सेव मी सेव मी रूपानुग गुरुवर्ग, अब तब तो होगा नहीं. अपना जो तुच्छता इसका अनुभव 100% हो जाए. तीनादवी सिर्फ श्लोक को बोल दिया बस हो गया, तीनादवी अपना जिंदगी में आना बहुत मुश्किल है. चीने तीनादवी श्लोक प्रैक्टिकली अपना जिंदगी में आना बहुत मुश्किल है. जब तक तीनादवी ना आए तब तक रूपानुगो भजन तो दूर की वह ऐसा भजन ही नहीं होगा. पौपाद जी खुल्लम खुल्ला बात बताएं जे रागानुगा भजन में हमारा जो रूपानुगो भजन में प्रभुपाद जी का बात इसको दे के समाप्त करें. प्रभुपाद जी ने बताएं कि रूपानुगो भजन में राधा रानी का दिखा हुआ जो दैन्य है ये स्वाभाविक है. प्रभुपाद ये शब्द व्यवहार किया राधा रानी का अनुगत्य में ये जो तीनादपी स्वाभाविक है, ये शब्द व्यवहार ठीक एग्जैक्ट ये शब्द राधा रानी का अनुगत्य में तीनादपी सुनी जो अनुगत्य में जो तीनादपी भाव ये स्वाभाविक है क्योंकि राधा रानी से बढ़कर अनुगत्य किसी का नहीं है. मैंने तीनादपी भाव किसी का नहीं, चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर किसी का अंदर में तीनादपी नहीं. कभी प्रभु रो रहा है धक्का लग रहा है गंभीरा का अंदर, हम तो बोलने में भूल गया, एक एक श्लोक का व्याख्या करने भूल हो गया. चैतन्य महाप्रभु का ये जो भाव है गंभीरा मंदिर का अंदर, एक उदाहरण देके पाँच मिनट हुआ लगे, दो एक मिनट लग गया. तो गंभीरा मंदिर का अंदर जो हमारा जगदानंद पंडित जी महाप्रभु को बहुत प्यार करते हैं. महाप्रभु जो सोते हैं जमीन पे बर्दाश्त नहीं होता. जगदानंद पंडित बंगला गए, बंगला से आयुर्वेदिक ऑयल लाए, तेल लाए कि प्रभु का वायु का विकार होता है माथे पे, इसको बोलते हैं प्रेम, प्रभु को लगाए और गोविंदो के पास बोला गोविंदो ये तेल का रख दो प्रभु का वायु का विकार होता है माथा में लगा ना ठीक हो जाएगा. बोले ठीक है. और महाप्रभु के सामने आके बोला, महाप्रभु के सामने आके सेवक बताएं गोविंदो जी प्रभु क्या गोविंद जगदानंद पंडित तो गया था बंगला में तो उसने उधर से एक बड़ा सुंदर तेल लाया शुद्ध, उसको आप लगाए तो आपका वायु का विकार होता है उसलिए प्रेम के लिए लाया. हार प्रभु चिल्लाया जगदानंद को बोलो तेल नहीं एक मालिश करने मैसेज करने का लोग लाने, हम सन्यासी है और ये खुशबू है तेल का अंदर में हम लगा के चले कि बोले ये दारू सन्यासी है हम ये लगाएंगे नहीं. गुस्सा हो गया महाप्रभु, ये बात कानों में आया जगदानंद का. जगदानंद क्या हुआ सामने आया प्रभु का सामने, कौन बोला तेल लाया. जब महाप्रभु बोला जगदानंदो, जगदानंद प्रभु शांति से बात करता है, महाप्रभु जगदानंदो तुम तो बहुत प्रेम के द्वारा बांग्ला से तेल लाई हो लेकिन हम तो सन्यासी है तेल लगाना तो उचित नहीं है, ऐसा एक काम करो जगन्नाथ जी को दे दो उसका जो दिया जलेगा इसमें काम मिला है. कौन बोला तुमको तेल लाया हम, कौन बोला, बोल के तेल उठाया बरंदा में फेंका आ चारों ओर तेल 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 फेंक के घर में जाके क्यूआर बंद करके बस बैठ गया. तीन दिन खाया नहीं पिया नहीं पानी नहीं पिया कुछ नहीं. महाप्रभु दौर का समझे जगदानंदो तीन दिन देखा आया नहीं, जगदानंदो क्यूआर खोलो कुछ सास सास कुछ शब्द नहीं है कुछ आवाज नहीं दे रहा है. जगदानंदो खुलो खुलो गुस्सा मत करो खुलो, खुल नहीं रहा है. तो अंतिम में महाराज महाप्रभु एक मेडिसिन दिया जगदानंदो आज मेरा इच्छा हो रहा है तुम्हारा हाथ का पकाया हुआ खाना खाएंगे प्रसाद, हम समुद्र में जा रहा है नहाने के लिए आके ही भोजन करें बहुत भूख लगा बल्कि चलाएंगे. तुरंत दरवाजा खोल के ए रामायण जल्दी आ जा महाप्रभु प्रसाद पाएगा बस रोसी शुरू कर दिया. ये जो प्रेम की बात है यहाँ जो गुस्सा दिखाया किस लिए, प्रभु हमारा सेवा नहीं लिया. ये विप्रों जो प्रेम का रास्ता है एक उदाहरण दे, बहुत सारे उदाहरण है. तो प्रभु हमसे क्यों सेवा नहीं लिया इसलिए मैं गुस्सा हुआ. आज जड़ जगत का गुस्सा जो है महाराज का ऊपर गुस्सा, हम आएंगे नहीं मंदिर में जा तू चला गया. आप प्रेम का गुस्सा मतलब हमसे सेवा क्यों नहीं लिया, प्रेम का गुस्सा मतलब
हमको हमसे सेवा क्यों नहीं लिया। आज जड़ जगत का जो गुस्सा है हम उसके साथ कोई कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, गो रहने दो। तो दोनों में नॉट हेवन एंड हेल डिफरेंस, इन्फिनिटी का डिफरेंस, अनंत का। जो भी है आज टाइम परमिट नहीं करे, हम इधर आके इतना संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ कि हमारा दिल को खोल नहीं सकता। जो भी है ठाकुर जी क्षमा करे। वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु पतितानं पावन भो वैष्णव भ्यो नमो नमो।